टू स्वाद इंडियन, मैं हूँ रियाज और मैं हूँ इस टाइम बाराबंकी के देवान शरीफ में। गाइस आप देख सकते हैं मेला अपने पूरे शबाब तक पहुँच चुका है और आज 15 अक्टूबर हो चुकी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे लाइव पूरा सेशन, हम आपको लाइव दिखाएंगे, झूले का सेशन दिखाएंगे, बोट का सेशन दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बड़ी रही है। गाइस फाइनली आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि देवा मेले का लाइव सेशन दिखलाइए, पूरे मेले का लाइव सेशन दिखलाइए। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ देवा मेले का लाइव सेशन दिखाने। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए देवा मेला लाइव। तो गाइस देवा मेला फाइनली अपने शबाब पर पहुंच चुका है और मैं देवा मेले से 1 किलोमीटर तालाब के पास खड़ा हूं और आपको भीड़ दिखा दे रहा हूं। यहां पर जाम देखिए आप कैसा लगा हुआ है। तो गाइस आइए आपको आज फुल सेशन दिखलाएंगे, आपको ऑडिटोरियम ले चलेंगे आपको और झूले के सेशन को दिखलाएंगे, दुकानों के सेशन को दिखलाएंगे। तो गाइस आइए हम लोग गेट के अंदर चलते हैं। तो गाइस मेला आने से पहले इस बोर्ड पे जरूर नज़र डालिएगा कि आप कैमरे की नज़र में हैं और पॉलीथीन पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दी गई है। तो गाइस फाइनली हम लोग गेट के अंदर आ रहे हैं और गेट के अंदर आते ही हम लोगों को खजले की दुकानें लाइन से मिलना स्टार्ट हो गई हैं गाइस। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या चीज़ आपको दिखा दे। दूर तक देखिए आप कितना लंबा जाम लग रहा है गाइस और दुकानें लाइन से मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस। आइए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, तकरीबन 10 मिनट की वीडियो होने जा रही है ये। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा गाइस, क्योंकि आप कोई भी सेशन मिस कर दीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं गेट से काफ़ी दूरी पर हम लोग आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं और दुकानें लाइन से लगी हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड पर दुकानें नज़र आ रही हैं। गाइस आइए आगे चलते हैं। गाइस गेट से काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं और यहां पर शाकाहारी स्टॉल काफ़ी बड़े बड़े लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। गुप्ता शुद्ध शाकाहारी होटल काफ़ी बड़ा स्टॉल इन्होंने लगा रखा है, तो अगर आप शाकाहारी चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं इस देवा महोत्सव में हीरों की बाइक भी आप परचेज कर सकते हैं। आइए आपको करीब से दिखा देते हैं ये स्टॉल। तो यहाँ पर बाइक का भी स्टॉल लगा हुआ है गाइस, आइएगा तो इसको जरूर वॉश करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस लगभग आधा किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर चुके हैं गाइस और भीड़ देखिए आप, मजमा देखिए यहाँ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं एजाज रसूल गेट पर गाइस, आप देख सकते हैं इस गेट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए हम लोग फाइनली एजाज रसूल गेट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। सामने आप देख सकते हैं भारी भरकम हलवा पराठे की दुकान लगी हुई है गाइस और यहाँ पर भीड़ देखिए आप, करीब से हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ की भीड़ देखिए आप। ये बहुत ही मशहूर लखनऊ की जमजम होटल की दुकान है जो कि एजाज रसूल गेट के जस्ट बगल में लगी हुई है गाइस। आइए एजाज रसूल गेट के आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। आइए एजाज रसूल गेट के अंदर चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग गेट के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ की सजावट देखिए आप गाइस, कितनी मनमोहक सजावट है, आपको अंदर जाते ही एक ऐसा एहसास दिलाएगी गाइस। और यहाँ पर स्टॉल देखिए, काफ़ी अच्छा चाट का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर भीड़ देखिए गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, भीड़ बहुत हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आप पहले आइए तो इस स्टॉल को यहाँ पर एजाज रसूल गेट के जस्ट बगल में लगा हुआ है, इसको जरूर इंजॉय करिएगा गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं गाइस और काफ़ी दूर पे झूला भी दिख गया है गाइस, अभी उस सेशन में भी चलेंगे गाइस। और आप भीड़ का देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेला कितने शबाब पर है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं।
गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग एजाज रसूल गेट से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी और हमको रोड से होके आपको दिखाना है ऑडिटोरियम और झूले के सेशन भी चलना है। तो फाइनली हम लोग रोड पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये एजाज रसूल गेट है, ये हलवा पराठे की दुकान है और ये सामने आपको रोड दिख रही है, तो इसी रोड पे हम लोग सीधा चलते हैं। गाइस एक जानकारी आपको और देते चले कि एजाज रसूल गेट के सामने एक खोया पाया कैंप भी बनाया गया है, तो कभी आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर आप जो है आ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं, फिर रोड पर चलते हैं और झूले के सेशन में चलते हैं सीधे। गाइस एजाज रसूल गेट से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, तकरीबन 100 कदम दूरी पर तो नॉन वेज के काफ़ी सेशन लगाए गए हैं यहाँ पर। बिस्मिल्ला होटल, लखनवी जायका, बाबू चिकन बिरयानी, तो आप आइएगा तो इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो गाइस आइए आगे चलते हैं। और गाइस इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं दादा मियां की मज़ार पर और इसके आजू बाजू देखिए काफ़ी बड़े बड़े होटल लगाए गए हैं गाइस, और यहां पर भी हलवा पराठे का होटल लगाया गया और नॉन वेज का भी होटल लगाया गया है, तो आप आइएगा तो इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। गाइस भीड़ का आलम देखिए, गाइस क्या भीड़ का आलम हो रहा है, और मेरे ख्याल से आवाज़ आपको सही नहीं मिल रही होगी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लखनवी जायके के पास, जो वाहिद बिरयानी। गाइस आप देख सकते हैं वाहिद बिरयानी, इसकी पर्सनली वीडियो आपके पास आएगी। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ पर। गाइस आप भीड़ का आलम देखिए और आइए बढ़ते हैं, फिर झूले के सेशन की तरफ चलते हैं। गाइस वाहिद बिरयानी से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपके दाहिनी तरफ ये देखिए झूले का पूरा सेशन है, आइए उधर ही चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग झूले के सेशन में जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और भीड़ देखिए गाइस, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग झूले के सेशन में आ चुके हैं और यहाँ की भीड़ देखिए गाइस, अंदर शायद नहीं जा पाएंगे, देख लीजिए आपकी यहाँ की भीड़ का क्या आलम है। कोशिश करते हैं जाने के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा झूले का सेशन। गाइस यहाँ पर भीड़ देखिए क्या आलम है भीड़ का। गाइस फाइनली झूले के सेशन में पहुँच चुके हैं और यहाँ की भीड़ देखिए आप क्या सेशन, लगभग 1 किलोमीटर का यह सेशन है। बहुत कोशिश करने के बाद अंदर पहुँचे हैं गाइस, और भीड़ का आलम देखिए। गाइस काफ़ी दूर आ गए हैं और काफ़ी अंदर तक आ गए हैं, झूले का सेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी एरिया में झूले का सेशन लगाया गया है, तकरीबन 25 से 20 तरह के झूले लगाए गए हैं यहाँ पर। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भूत बंगला भी लगाया गया है, तो अगर आप दिल के मजबूत हैं तो यहाँ पर भूत बंगला जरूर देख सकते हैं, कमज़ोर दिल वाले यहाँ पर ना आए। गाइस आइए कोशिश करते हैं पूरा झूला का सेशन दिखाने की, आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं बच्चों के भी मनोरंजन के लिए काफ़ी छोटे झूले भी लगाए गए हैं, और बच्चों के तकरीबन 20-25 तरह के झूले लगाए गए हैं गाइस आप देख सकते हैं। और मैं इस वक्त झूले के सेशन में पहुंचा हूं और देखिए चारों तरफ झूले ही झूले नज़र आ रहे हैं गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं और ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं। गाइस फाइनली बहुत ही मुश्किल से हम लोग झूले के सेशन से बाहर निकल आए हैं और आपको लिए चलते हैं ऑडिटोरियम, जहां पर सारे प्रोग्राम होते हैं वो ऑडिटोरियम भी दिखाते हैं, उसके बाद कौमी एकता गेट की तरफ चलेंगे। तो गाइस आइए ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं। तो गाइस आपको बता दें ऑडिटोरियम का रास्ता किधर से आता है, जो झूले के सेशन वाली गली है उसी की तरफ आप सीधा आएंगे आप, और आपको तमाम फूड स्टॉल भी मिलेंगे। तो कुछ दूरी पर चलने पर ये ऑडिटोरियम सामने आपको नज़र आ रहा है, आइए आपको अंदर ले चलते हैं ऑडिटोरियम के, जहाँ पर सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, मुशायरा और काफ़ी प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। गाइस ये ऑडिटोरियम है, आइए ऑडिटोरियम के अंदर आपको लिए चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं और यहाँ कवि सम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा है, तो गाइस देख सकते हैं आप स्क्रीन कितनी बड़ी यहाँ पर लगाई गई है। आइए ऑडिटोरियम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऑडिटोरियम कितना बड़ा बना हुआ है। गाइस हम लोग फाइनली ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच चुके हैं और दिखा रहे हैं आपको ऑडिटोरियम का, यहाँ पर आप आइए तो काफी प्रोग्राम आराम से देख सकते हैं, कितना बड़ा ऑडिटोरियम आप बैठने के लिए बनाया गया है। आइए गाइस अब चलते हैं कौमी एकता द्वार पर। आप
गाइस फाइनली काफी मुश्किल से झूले के सेशन में निकल आए हैं और रोड पर आ गए हैं और आपको लिए चलते हैं कौमी एकता द्वार पर। और गाइस आप देख सकते हैं भीड़ काफी हो रही है, आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गाइस थोड़ा आगे बढ़ने पर काफी खूबसूरत दुकान तस्वीर की लगाई गई है। गाइस आप देख सकते हैं अगर आप देवा मेला आए तो तस्वीर वगैरह आपको अगर लेना हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। गाइस आइए आगे चलते हैं। गाइस झूले के सेशन से थोड़ा रोड पर आके आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी स्टॉल, बाइक के स्टॉल, चूड़ी के स्टॉल, खिलौने के स्टॉल, इसी तरह के स्टॉल काफ़ी मिलते जाएंगे। गाइस आइए फटाफट आगे चलते हैं और कौमी एकता द्वार पर पहुँच कर इस वीडियो को एंड करेंगे। गाइस गाइस आप देख सकते हैं एक लाइन से अच्छी अच्छी दुकान लगी हुई है, ज्वेलरी की भी काफ़ी अच्छी दुकान लगी हुई है। गाइस आप देख सकते हैं, आइए और दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं। गाइस यहां पर सहारनपुर की लकड़ी के सामान की भी दुकानें लगी हुई हैं। गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आइटम यहां पर बिकते हैं, अगर आप देवा मेला आएँ तो यहाँ पर भी आकर कुछ परचेस कर सकते हैं। गाइस कम्बल चादर की काफ़ी लंबा स्टॉल लगाया हुआ है, आप गाइस देख सकते हैं। अगर आप कम्बल चादर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर परचेस कर सकते हैं। गाइस आइए आगे चलते हैं। गाइस फाइनली कौमी एकता गेट पर हम लोग पहुँचने वाले हैं और भीड़ का आलम देखिए क्या हो रहा है। गाइस काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन गेट तक जाएंगे ज़रूर और तभी वीडियो को एंड करेंगे। गाइस इस देवा मेले में एक खास चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बर्तन मिलते हैं। तो अगर आपको मिट्टी में खाना पसंद है तो यहाँ पर आकर इसको परचेज कर सकते हैं। गाइस आइए कौमी एकता गेट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। गाइस फाइनली कौमी एकता गेट पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। गाइस और भीड़ आपको दिखा दें। गाइस आप देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ चल रही है क्योंकि 2 साल के बाद मेला लगा है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, पैर रखने की जगह भी नहीं है। गाइस और कौमी एकता गेट सामने दिख गया है, वहीं चलकर वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस फाइनली तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।